मुंबई के कांदिवली पर लोखंडवाला टाउनशिप में स्थित अलीका हॉल में सियरा टावर शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सुनील बबानी के तत्वावधान में जनसंपर्क व समस्या संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में सांसद गोपाल सेट्टी, पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल खास तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में लोखंडवाला परिसर के तमाम शॉपकीपरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए सुनील बबानी व अन्य सदस्यों ने सांसद गोपाल सेट्टी के समक्ष ट्रैफिक हॉकर्स और ठाकुर विलेज से लोखंडवाला महिंद्रा डीपी रोड को खुलवाने को लेकर संवाद किया, तो वहीं अन्य सदस्यों ने भी रेसिडेंशियल शॉपकीपर्स के बीच के मतभेद को मिटाकर एक बैठक रखने की बात कही, जहां गोपाल सेट्टी ने तमाम समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द उसका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। दुकानदारों ने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि हमारे सांसद और हमारी पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल हमारी सभी समस्याओं का निदान करेंगी। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जो है एसोसिएशन सर बनाने का, जैसे आपको बताया कि अभी जो प्रॉब्लम हो रही है इंडिविजुअल में, तो वो उतना नहीं सुना जाता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओ, चाहे किधर भी जाओ, कोई डिपार्टमेंट में डीएमसी में जाओ, तो वो चीज़ चाहे ट्रैफिक में जाइए, तो वो क्या ऐसे इंडिविजुअल बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो एज एसोसिएशन के हिसाब से हम जाएंगे और उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस वही आपसे निवेदन करनी है। रोड का जो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बोला डिस्कशन अगर इस प्रकार का हो तो हम अतुल जी को भी बुला लेते थे, मैं बताऊंगा मुझे जो पता है वो। इसके अलावा क्या ट्रैफिक का प्रॉब्लम वैसे पहले से बहुत कम हो गया है, क्या अभी भी है? ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हुआ है। ट्रैफिक क्या है, जो रूटीन ट्रैफिक है वो और जो लोकल वाला में जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, ये बड़ा सा मुद्दा बैठ के आप उसमें डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी मुद्दा होगा, एक जैसे सपोज किसी का अचानक किसी को हार्ट अटैक आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, यहाँ से बाहर निकलना एक टास्क हो जाता है, वो एक उसका जो मतलब सुलझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली ये मतलब एक जान पे आ जाता है, किसी का टैब चले जाता है, किसी की मां चले जाती है, ये बहुत सीरियस और सेंसिटिव होता है। दूसरा शॉपकीपर्स जो हमें जैसे स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और गलत फहमी में से ही चलो एक गेट टूगेदर तो उनका समाधान ढूंढने के लिए, वैसे अपना जो महिंद्रा के अंदर से रोड निकलेगा तो इससे बड़ी राहत अपने मिलेगी। अब इसके लिए अतुल जी मैं प्रयास कर रहे, लेकिन प्रकाश सुबे जी ने जो, मैं ये कहूँगा कि एक नया उसमें मोड़ दे दिया है। अतुल जी ने बीच में विधानसभा में आवाज़ उठाकर कहा कि मैं एक इसको वाइटल प्रोजेक्ट करके डिक्लेयर करो, ताकि जो स्लम के लोग हैं उनको दो पैसा ज़्यादा आ जाए, तो उसकी मान्यता मिल गई। फिर वापस अतुल जी, प्रकाश सुबे और इनके साथ में बैठक हुआ और वो हटाए भी गई, ब्रिज बनाकर रोड बनाना इस प्रकार का अभी तय हुआ। अभी मीटिंग के बाद में ये कहाँ तक पहुँचा, मैं प्रकाश स्वरूप एक बार कार्यक्रम में मिला था तो तब उन्होंने उनसे मैंने बात की थी, ये कोई नई कल्पना नहीं है। वैसे प्रकाश को भाई ठीक है तुम मूव करो, लेकिन जब तक ये 40 फुट का रोड का दीवार भी तोड़ देते बड़ा रिलीफ मिल जाएगा लोगों को, ये भी मैंने उनको कहा है। और ये मैं कहीं पर भी किसी के भी सामने कहना हो तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप कोई भी काम करते हो तो उसमें कुछ लोग नाराज कुछ लोग खुश होते ही है, ऐसा कोई भी काम नहीं जिससे पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करेंगे तो सब लोग खुश हो जाते थे इसमें, लेकिन वो भी नहीं होते है ना, वो माइनॉरिटी के लोग तो फिर उसमें वो भी नाराज होते हैं, तो 100% तो कोई खुश होते नहीं। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए जो न्यायिक काम है वो हमेशा हमने करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरा 32 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और इतने लॉकर्स का प्रॉब्लम इस प्रकार का कि पूरे मुंबई शहर में जितने मार्केट के प्लॉट थे वहीं झोपड़पट्टियाँ बन गई। अभी बहुत बड़ा विषय है, आप सबकी जानकारी के लिए, तो इसमें बहुत समय भी लगेगा। एक बार बहुत लंबा 2-4 घंटे का कार्यक्रम रखो तो फिर डिटेल में बातचीत करेंगे आप उनसे। तो अब एक समय ऐसा था बट उसमें सर जैसे आप गाइडलाइन बना देंगे कि रोड वाले वहाँ फुटपाथ पे नहीं बैठेंगे सुबह शाम,
और यहाँ फिर उनका रोटले पे उनको जगह दी जाती है। सर ये तो मैंने बताया, इसमें भी दुकानदार तैयार होना चाहिए। दुकानदार तैयार, जो दुकानदार तैयार नहीं होता है, और ऐसा कहीं जगह है क्या वो ढूंढो आप, यहाँ पर हम लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे समस्याओं के बारे में प्रयास हम सब लोग को मिलकर कर रहे हैं, लेकिन एक हॉकर्स के बड़ा समस्या यहाँ पर है, और ख़ास करके जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जगह में से जो रास्ता बनकर तैयार हुआ है, लेकिन उस तरफ थोड़ा जो दिक्कत है, बस्ती है वहाँ पर, उसले रास्ता बहुत ही जल्दी खुलना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज नज़र के सामने दिखता है लेकिन वो दीवार न टूटने के वजह से लोगों को बहुत घूम कर जाना पड़ता है। इसके लिए निश्चित अतुल भातखलकर जी प्रयास कर रहे हैं, प्रकाश सुर्वे वहाँ के लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मैं सांसद दोनों जगह का हूँ तो मेरी भूमिका थोड़ी अलग होती है। मैंने यहाँ के लोगों के लिए भी प्रयास करना चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए भी प्रयास करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी से उसका हम समाधान ढूँढे। अब एक नई कल्पना आई है कि हैंगिंग ब्रिज जो होता है उस तरह से बनाकर झोपड़पट्टी को वहाँ ही रख कर बीच में पिलर खड़ा करके उसके ऊपर से ब्रिज बनेगा, इस प्रकार का एक कल्पना है। इस प्रकार के काम बोरेली में चालू है वैसे, लेकिन इसका थोड़ा स्पैन ज़्यादा है, वो होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अगर वो होता है भी तो ये दीवार तोड़कर लोगों को कम से कम आने जाने के लिए एक सुविधा हो, इस प्रकार की एक बहुत बड़ी डिमांड, मतलब लोगों ने इसके बारे में नाराज़गी भी जताई और जायज़ है उनका नाराज़गी। मैं मानता हूं कि जितने क्रोधित होकर उन्होंने बताना चाहिए था वो नहीं बताया, ये मेरा भाग्य ऐसा मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो विश्वास है लोगों का वो अभी भी बरकरार है, लेकिन उसका पेशेंट लोगों का टूट ना जाए इसका ख्याल हमने रखना चाहिए, इस बात की मुझे जानकारी है। सर लोकल जो गाड़ियां हैं यहां पर उसके लिए कोई भी पर्याय अभी तक विकल्प नहीं है जो गवर्नमेंट तरफ से कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था की गई लीगल तौर पे? लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के लिए एक पार्किंग ठाकुर ग्रुप के ओर से बनकर मिल रहा है, बड़ा पार्किंग लॉट है, वो मिलने से मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ के लोगों के लिए मिलेगा, और ये बहुत ही जल्दी एक महीने दो महीने में मिलेगा, इस प्रकार की तैयारियाँ हो रही है, तो वो होने से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी 100% तो इसका कोई सॉल्यूशन अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, जो गार्डन और प्लेग्राउंड के नीचे बेसमेंट बनाकर पार्किंग बनाने का इस प्रकार का कायदा मैं जब कॉरपोरेशन में था उन दिनों में बना, लेकिन बहुत वर्कआउट नहीं हुआ। इन दिनों में कॉरपोरेशन के पास पैसा है, वो बनाने के लिए आगे आए हैं, तो कुछ जगह पर कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे दे दिया है। मैं मानता हूँ कि ये कोर्ट ने या तो कोर्ट के सामने कॉरपोरेशन के वकीलों ने दलील बराबर की नहीं है। बाकी मुंबई शहर की ट्रैफिक की समस्या क्या है ये तो सारे लोगों को पता है, आखिर न्यायालय चलाने वाले लोग भी तो हम में से ही है ना, वो भी तो गाड़ियाँ चलाते हैं, लेके जाते हैं, उनको भी पार्किंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चे या तो वहाँ के लोग फेडरेशन के लोग कहेंगे कि नहीं हमारे बच्चों को खेलने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, निश्चित थोड़े दिन तो प्रॉब्लम होगा ही ना, एक लंबे समय के लिए अगर सुविधा हो जाता है नीचे बेसमेंट बनने तक खोदने तक थोड़े दिन बच्चों को खेलना बंद हो जाएगा, ये सारे लोगों ने मिलकर बात करना चाहिए तो इसमें से रास्ता निकलेगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ी पॉलिटिकल लोगों का जो प्रयास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, सभी हम कोर्ट के ऊपर छोड़ेंगे, कभी सभी ऑफिसरों के ऊपर छोड़ेंगे, तो लोगों को जितना सुविधा समय पे या तो समय के पहले मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, थोड़े एग्रेसिव होकर काम करना पड़ेगा, तो ये होगा सारा। ओके थैंक यू। ठीक है, लोखंडवाला जो आईपाई एक एरिया माना जाता था आज कहीं ना कहीं उसके दाम गिरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के आज आज आप लोगों ने एमपी से जो सांसद है गोपाल चौधरी उनसे विचार विमर्श किया, क्या ये आज जो प्रोग्राम हुआ था इसमें सेरा टावर शॉप वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो है उनको बुलाया गया था। यहाँ पे टाउनशिप के अंदर बहुत सारे इशू हैं, जो एक पहले इतना सभ्य टाउनशिप रहता था आजकल बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ गई है, जिसमें नंबर वन प्रॉब्लम जो है हॉकर्स की है, दूसरी जो है ट्रैफिक की है, रोड की है, फिर बाद में जो सोसाइटी और दुकानदारों के बीच में जो मतभेद है उन वो समस्याएं थी, जिनके कारण हमने माननीय गोपाल शेट्टी सांसद जी को हमने यहाँ बुलाया, और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा उनका, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाल के आज आए, अच्छे से उन्होंने सुना और सब बातों का उन्होंने हल का जो सुना चाहते उनका हल भी किया और उन्होंने सबका समाधान भी किया।
काफ़ी लोगों ने उनसे अलग अलग डिफरेंट इशू पे बात किया, जिसका उन्होंने अच्छे मतलब अच्छा सोल्यूशन निकाल के उन्होंने काफ़ी कुछ दे दिया है। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वापस हम जल्दी जो है सत्र शुरू होने के पहले एक बार वापस इधर आएंगे और जितने भी आज डिस्कशन हुए इशू जो है उनमें से जितने भी सॉल्व हो सके, पर्सनली मेरे को बताया उन्होंने कि भाई इनमें से जितने छोटे मोटे जो होंगे वो तो हम जल्दी फटाफट कर लेंगे, बाकी अभी जो रोड का है ये है वो तो टाइम लगने वाला है, वो चीज़ें के ऊपर भी हमारा काम रहेगा। आज सबसे बड़ा उन्होंने जो बात की मेरे को बहुत खुशी लगी कि उन्होंने बोला कि हमको ये लोखंडवाला टाउनशिप को ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो मतलब इतना साफ़ सुथरा और इतना प्रैक्टिकल करना है कि जिससे पूरे मुंबई को इसका मैसेज जावे जो है। और आज हमने जो दुकानदार भाइयों को जो तकलीफ़ हो रही है, हमने काफ़ी दुकानदारों को हमने बुलाया यहाँ पे और उनकी जो तकलीफ़ है हम एसोसिएशन बनाना चाहते हैं पूरे लोखंडवाला टाउनशिप की दुकानदारों की, उनके साथ जो तकलीफ़ हैं हम फिर उस बेस पे हम लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे जो है, तो वो भी उसमें भी हमको साहब का सहयोग रहेगा। और हम सब यूनियन बनने के बाद, एसोसिएशन बनने के बाद जो साहब का सपना है कि ये लोखंडवाला टाउनशिप एक मिसाल होना चाहिए पूरे मुंबई के अंदर, वो हम करके दिखाएंगे, क्यों भाई? बराबर कर, बिल्कुल करके दिखाएंगे ना भाई? जरूर जरूर, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किस तरीके का आश्वासन मिला है गोपाल सेठी की तरफ से? देखिए, पिछले 9 साल से गोपाल जी सांसद हैं और मैं आपके माध्यम से भवानी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार 9 साल में एक ऐसा प्रयास हुआ कि लोखंडवाला के बिजनेस कम्युनिटी और सांसद आमने सामने आए और अपनी बात को रखी। लोखंडवाला में समस्याएं बहुत है, टाउनशिप सुंदर है, सुंदरता के साथ में समस्याएं बहुत है, सारी समस्याओं पे विस्तारपूर्वक चर्चाएं हुई। दुकानदारों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है, उनको अपने व्यापार की मुसीबतों से के अलावा बाकी मुसीबतें जो उनको सोसाइटियों से आ रही है उस पर खुल के चर्चा हुई। गोपाल जी ने आश्वस्त किया कि वो आने वाले समय में उसका निदान करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लोखंडवाला की जो कोर समस्या सड़क की उस पर चर्चा हुई, उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया। और जैसा कि पूरी चर्चा सत्र में हमारे राकेश भाई ने पूरी जोर दे के जो बोला कि अगर गोपाल सेट्टी जी इस रोड को नहीं खुलवा सकते हैं तो फिर कौन खुलवा सकता है? गोपाल सेट्टी जी का नाम है डीपी रोड में, जो मास्टरी उनकी है और जो उनका कार्य करने का तरीका है वो किसी से छुपा नहीं है पूरे उत्तर मुंबई में। तो गोपाल सेट्टी जी ने आश्वस्त तो किया है, जिन कारणों से रोड रुकी पड़ी है ये तो तय है, पिछले 25 सालों से लोखंडवाला की जनता का जीवन दुश्वार है, आप 2-2 घंटा बाहर नहीं जा सकते, फिर भी जनप्रतिनिधि इसके ऊपर काम करने की सोच रहे हैं और आने वाले समय में इस पर हल निकलेगा, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उससे हमें लगता है कि बहुत जल्दी समस्याओं से निजात हम लोगों को मिलेगी। आपने मुद्दा उठाया, कहाँ तक लगता है कि उस मुद्दों से निजात दिला पाने में गोपाल सेट्टी सफल होंगे आप लोगों? सर, ऐसा है कि गोपाल सेट्टी जी चाहे तो वो सब पॉसिबल है, और ट्रैफिक कोई सिस्टम की ज़रूरत है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेन जो रास्ता है हमारा लोखंडवाला येलो गेट से आने का, वो दोनों साइड खाली ऑटो रिक्शास खड़े रहते हैं, ट्रक्स खड़ी रहती हैं, अगर उनको व्यवस्थित वहाँ से हटाया जाए तो वहाँ पे डबल टू लाइन हम बोल सकते हैं कि वन साइड टू लाइन के 4 लाइन अपना रास्ता बन सकता है, तो आई थिंक गोपाल जी कर सकते हैं। या 100% वो चाहें तो 100% हो सकता है। जहाँ ये हमारे साथ में थे लोखंडवाला और सेरा टावर के तमाम शॉपकीपर और उनके पदाधिकारी, जिन्होंने बड़ी सरलता से और बड़ी बेबाकी से अपने सवालों को सांसद गोपाल सेट्टी के समक्ष रखा, जहाँ पर सांसद गोपाल सेट्टी ने इनकी सवालों के जवाब देते हुए और इनके समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।